हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन डॉट कॉम चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे गुड़गांव में कहां कहां पर आने वाले दिनों में नए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आने वाले एक दो महीने से लेकर 5-6 महीने और अगले 8 महीनों में लॉन्च होंगे। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च होने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो वीडियो है, गुड़गांव स्पेसिफिक है। गुड़गांव के रियल एस्टेट को इसमें हम फोकस करेंगे। आपने देखा होगा आजकल जो शोर है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर मचा हुआ है। नए नए प्रोजेक्ट्स जो हलचल है वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही चल रही है। बट आपको पता है जहां सबका फोकस होता है, हमारा फोकस उससे अलग हटके होता है, क्योंकि हमें आप तक सबसे अलग हटके इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसी कड़ी में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे मोस्टली गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और ये किन किन बिल्डर के हैं। तो शुरुआत हम कर लेते हैं 4S बिल्डर से। आपने शायद कम ही नाम सुना होगा इसका, क्योंकि इससे पहले इनका गुड़गांव में कोई और प्रोजेक्ट नहीं रहा है। हाँ, ये गुड़गांव में पिछले 10 सालों से एक्टिव हैं। पिछले 10 सालों से गुड़गांव में इन्होंने बिल्डर फ्लोर बनाए हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं उसमें, और इन्होंने बिल्डर फ्लोर बनाकर बेचे हैं। अभी इनका करंट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है आराध्या होम्स, वो इन्हीं का है। बिल्डर का नाम 4S है। ये सेक्टर 59 में एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं लो राइज फ्लोर का। DDJ का ये प्रोजेक्ट होगा, दीनदयाल जन आवास योजना का ये प्रोजेक्ट होगा। लग्जरी फ्लोर होंगे, जैसा M3M ने 61 और 69 में लो राइज के फ्लोर लॉन्च किए हैं। गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ही सेक्टर 63 में सिग्नेचर ने भी उसी तरह के फ्लोर्स लॉन्च किए हुए हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 4S बिल्डर भी सेक्टर 59 में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। ये प्रोजेक्ट होगा गोदरेज का। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गोदरेज भी आने वाले दिनों में अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट लो राइज होगा, हाई राइज होगा, इसकी जो जानकारी है आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है, हम अपने वीडियोज लोकेशन पर जाकर बनाते हैं और वहीं पर जाकर आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो जैसे और डिटेल्स आएंगी, हम आपको गोदरेज की लोकेशन पर लेकर चलेंगे और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आपको पता ही होगा, जो करंट में अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वो है DLF का। जी हाँ, जिस तरह गोल्ड कोर्स रोड पर आपको पता है अरालियाज है, कैमिलियाज है, एक लैंडमार्क बन चुके हैं गोल्ड कोर्स रोड पर, जो रेजिडेंशियल के एक लैंडमार्क है गुड़गांव के भी, उसी तरह की शुरुआत DLF करना चाहता है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। वहीं पर इसका 25 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है। करीब 2 महीने पहले हम उसका वीडियो बना चुके हैं उसकी लोकेशन पर जाकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें UI स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप DLF के इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहते हैं तो मुझे लगा कि आपको इसकी जानकारी दे दूँ कि इसमें UI स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो M3M का है। आपने देखा होगा M3M ने सेक्टर 61 में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक लो राइज फ्लोर का प्रोजेक्ट बनाया है जिसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी तरह सेक्टर 89 में M3M और स्मार्टवर्ड दोनों ने एक लो राइज का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पिछले दिनों, काफी बड़ा हिट रहा था, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है। बट 58 सेक्टर में गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर M3M ये जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा। ये दीनदयाल जन आवास योजना के जो लग्जरी फ्लोर्स हैं उसकी तरह नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको पता आने वाले दिनों में पता लगेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, गुड़गांव में दीनदयाल जन आवास योजना के तहत लो राइज का एक भी प्रोजेक्ट अभी डिलीवर नहीं हुआ है। तो अभी लोगों को पता नहीं है कि किस तरह का प्रोजेक्ट बनकर आएगा आने वाले दिनों में। आप देखेंगे वो थोड़ा कंजेस्टेड लगेगा, हाई डेंसिटी लगेगा, चाहे वो किसी का भी प्रोजेक्ट हो, वो सिग्नेचर का हो, M3M का हो, स्मार्टवर्ड का हो, वो आने वाले दिनों में कोई भी दीनदयाल का लेकर आता है प्रोजेक्ट, उसमें डेंसिटी का और उसमें जो कम चौड़ी सड़कें होती हैं उसका इशू आपको देखने को मिलेगा ही। बट M3M सेक्टर 58 में ये काफ़ी लग्जरी फ्लोर लेकर आएगा, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया M3M का ये प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना के तर्ज पर नहीं होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। और आपको ये असल में, आपको ये रियल में लग्जरी प्रोजेक्ट लगेगा। अब तक हम 3 प्रोजेक्ट कवर कर चुके हैं, अब हम अपने चौथे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रोजेक्ट है वो है ओबेरॉय ग्रुप का। जी हाँ फ्रेंड्स, ओबेरॉय ग्रुप जो होटल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल नाम है, ओबेरॉय ग्रुप भी
NCR में रियल एस्टेट में एंटर कर रहा है और रियल एस्टेट में जो एंट्री कर रहा है वो गुड़गांव से कर रहा है और गुड़गांव में भी ओबरॉय जो ग्रुप है वो गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर आने वाले दिनों में अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 50 एकड़ में होगा और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, क्या डिटेल होंगी, आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। पिछले दिनों ये इन्फॉर्मेशन आप तक आई भी होगी बहुत सारे लोगों तक कि ओबरॉय ने 50 एकड़ लैंड गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर परचेज की है। तो अब तक मैं आपको 4 प्रोजेक्ट बता चुका हूँ। आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे प्रोजेक्ट मैंने गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर बता दिए और हलचल तो चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ 2-3 मेरे पास बोनस पॉइंट है जो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन के लिहाज से वो बोनस पॉइंट है, किसी के लिए वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, किसी के लिए वो सामान्य जानकारी हो सकती है। तो जो उस बोनस पॉइंट के बारे में जानना चाहता है वो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बना रहे। अब हम अगले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आपने नाम सुना है सेंट्रल पार्क ग्रुप का, जिसके गुड़गांव में ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट है। एक सोना में है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, आपने उसका नाम सुना है, आपको पता है क्या प्राइस है उस प्रोजेक्ट के, कितना अप्रिसिएशन मिला है और कितना बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इसी तरह सेंट्रल पार्क का एक प्रोजेक्ट गोलकोर्स रोड पर है, एक प्रोजेक्ट उसका सुभाष चौक पर है। तो इसके बाद जो सेंट्रल पार्क ग्रुप है, ये बख्शी है इनके जो चेयरमैन है इस ग्रुप के, वो ग्रुप जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कूच कर रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने करीब वहाँ पर 25 से 35 एकड़ लैंड खरीद ली है। तो आने वाले दिनों में जैसा कि सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली प्रोजेक्ट है, उससे भी ज़्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट आपको सेंट्रल पार्क का आने वाले दिनों में द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अब मैं उन बोनस पॉइंट की बात करूँगा, जो बोनस पॉइंट मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा। आप ये बताइए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल लेटेस्ट लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूनिक लगती है, एक्सक्लूसिव लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक मिलेगा हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम इसी तरह की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। अब मैं बोनस पॉइंट की बात करूँगा। आपको पता है सेक्टर 106 में एलान भी एक अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लग्जरी प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट है, उसका भी UI शुरू हो गया है। अगर कोई इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है तो उसको कंसिडर कर सकता है, अगर उसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको छोड़ सकता है। वहाँ पर एलान का करीब 40 एकड़ का लैंड है, 30 एकड़ में वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में 10 एकड़ में वो कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। उस कमर्शियल प्रोजेक्ट में वो एक 5-स्टार होटल भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कमर्शियल भी रहेगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे लग्जरी प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको 5-स्टार भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है, आने वाले दिनों में द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको इंडिया का सबसे बड़ा मॉल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मॉल द्वारका एक्सप्रेस वे के किस सेक्टर में होगा, कहाँ पर होगा, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, एक एक चीज, एक एक पॉइंट बड़ा डिटेल में इस चैनल पर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को बिल्कुल मिस ना करें, इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ना जाने ऐसी कितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। अभी तक आपने सुना था सबसे बड़ा मॉल जो था लखनऊ में खुला था लुलू मॉल, उसके बाद उससे बड़ा जो मॉल है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो अहमदाबाद में हो गई थी, वो भी लुलू ग्रुप ही लेके आ रहा था, लेकिन गुड़गांव का ही एक बिल्डर द्वारका एक्सप्रेसवे पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है। आने वाले दिनों में सारी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और अब सबसे जो प्लस पॉइंट है, सबसे जो बोनस पॉइंट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो आप कंज्यूम करते हैं YouTube पर रियल एस्टेट से जुड़ी, मोस्टली आपको गुड़गांव की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना के बारे में, सोना के प्रोजेक्ट के बारे में बता दी जाती है। लेकिन आप जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है हम शुरू से ही थोड़ा वाइड रहे हैं, थोड़ा हमने अपने आप को स्प्रेड करके रखा है। हम सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है, गुड़गांव के अलावा हम NCR और जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर को पता है हम सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है, गुड़गांव के अलावा भी हम आसपास के जो सिटीज़ हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो सकती हैं उसके बारे में भी लगातार बताते रहे हैं। जैसा कि आपको पता है सोनीपत का गोदरेज का प्रोजेक्ट है, हरकौदा में कुछ प्रोजेक्ट्स आए, पानीपत में एक प्रोजेक्ट आया था LDCO का, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर सेंट्रिक हैं। जी हाँ, यहाँ पर एंड यूज़र तो उसी सिटी का प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन दिल्ली गुड़गांव का जो इन्वेस्टर है वो उन सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्रॉपर्टी खरीदता है। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। हम लोकेशन पर जाकर लाइव भी कर सकते हैं या आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो बनाएंगे। करीब 300 से 350 एकड़ का एक प्रोजेक्ट होगा,
बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होगा, फ्लोटिंग का प्रोजेक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर वालों के लिए ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। एंड यूज़र भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड यूज़र भी उस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। वो प्रोजेक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में एक तो नए नए प्रोजेक्ट पता लग गए, उसके अलावा आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई नई चीज़ें, नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई। तो मुझे लगता है आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसका एक लाइक तो बनता है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन शायद आपको दूसरी जगह ना मिले। और आपसे जो मैंने प्रॉमिस किया है, इंडिया का जो सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है और जो 300 एकड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा, उसके वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।